देखो अब हमें क्रिटिकली इवेल्युएट करना है. सो हेक्सर-ओलिन थ्योरी हैज मेड इनवैल्यूएबल कॉन्ट्रीब्यूशंस टू द एक्सप्लेनेशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड. इट हैज मेड सेवरल इंप्रूवमेंट्स इन क्लासिकल कंपेरेटिव कॉस्ट थ्योरी. क्या क्या है वो देखते हैं. इट रेस्क्यूड द क्लासिकल थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड फ्रॉम द ग्रिप ऑफ लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू. ओके, दिस न्यू थ्योरी इज बेस्ड ऑन द जनरल इक्विलिब्रियम थ्योरी ऑफ वैल्यू अकॉर्डिंग टू विच बोथ डिमांड एंड सप्लाई कंडीशन डिटरमिन द प्राइसेस. जो भी अभी आपने समझा. हेक्सर-ओलिन थ्योरी रिमूव्स द डिफरेंस बिटवीन इंटरनल ट्रेड एंड इंटरनेशनल ट्रेड. उसने बताया कि डिफरेंसेस क्या है इंटरनल ट्रेड में और इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर. हेक्सर-ओलिन प्रोवाइडेड मच बेटर एंड मोर रियलिस्टिक रीजंस टू एक्सप्लेन डिफरेंसेस इन कंपेरेटिव कॉस्ट्स ऑफ कमोडिटीज इन डिफरेंट कंट्रीज. तो हेक्सर-ओलिन थ्योरी से आपको समझ में आया होगा कि इसके अंदर ज्यादा डेप्थ में चीजें समझाई गई है, ज्यादा रियलिस्टिक होकर आपको बातें बताई गई है कि जो डिफरेंसेज है वो क्यों आ रहे हैं. He pointed out that the differences in factor endowments and factor proportions of the countries explain comparative cost differences. तो वही कि कहाँ पे कितनी availability है, किस proportion में है, उसके according जो है आपके comparative cost differences जो है वो create होंगे. According to classical theorists, international trade exists due to differences in skill and efficiency of labor only. मतलब सिर्फ skill और efficiency पे. This means that with transmission of knowledge between the countries, workers master the techniques and skills of each other. As a result, the differences in competitive cost cease to exist and international trade comes to an end. क्योंकि जब तुम सीख ही जाओगे सब कुछ तो बात ही खत्म है. However, according to Hexer and Olin, this will never happen since the factors such as land and other natural resources lack mobility. वो मूव ही नहीं कर पाएगा. तो जब मेरे पास रिसोर्सेज वो आएंगे ही नहीं तो मेरा लेबर कुछ भी सीख जाए, वो रिसोर्स ही नहीं है तो मैं बना ही नहीं सकता, राइट. हाउएवर इन स्पाइट ऑफ द अबव मेरिट्स ऑफ हेक्सर-ओलिन थ्योरी, इट इज नॉट फ्री फ्रॉम शॉर्टकमिंग्स. तो इसके कुछ लिमिटेशंस है जिसको हमने लियोन्टिव पैराडॉक्स जो है उसके थ्रू समझाया है. देखो लियोन्टिव पैराडॉक्स क्या है. हेक्सर-ओलिन थ्योरी अज्यूम्स दैट रिलेटिव फैक्टर प्राइसेस रिफ्लेक्ट द रिलेटिव सप्लाईज ऑफ फैक्टर. वो कह रहे कि जो फैक्टर प्राइसेस है उससे कहीं ना कहीं सप्लाई पे फर्क पड़ेगा. दस अबंडेंट फैक्टर विल हैव अ लोअर प्राइस. वो फैक्टर जिसकी अबंडेंस है उसका प्राइस लोअर है एंड वाइस वर्सा. दिस इंप्लाइज दैट द सप्लाई आउटवेट्स द डिमांड. वो कह रहे हैं कि इसके वजह से क्या होता है कि जो सप्लाई है वो डिमांड को आउटवेट कर देता है. सप्लाई आउटवेट्स द डिमांड इन द डिटर्मिनेशन ऑफ फैक्टर प्राइस. इसका मतलब है कि सप्लाई जो है वो कहीं ना कहीं डिमांड को आउटवे कर देता है जब हम फैक्टर प्राइसेस की बात करते हैं. देखो फैक्टर प्राइसेस क्या होते हैं, सुनो, लैंड लेबर कैपिटल जो है उनके प्राइसेस. एक होता है कमोडिटी प्राइसेस, एक होता है फैक्टर प्राइसेस. सो हाउएवर व्हेन द डिमांड फॉर फैक्टर्स प्रिवेल्स अपॉन द सप्लाई, फैक्टर प्राइसेस सो डिटरमिन्ड वुड नॉट कन्फर्म टू द सप्लायर्स ऑफ द फैक्टर्स. सपोज A country has abundance of capital and scarcity of labor in physical terms, but there's relatively greater demand for capital. In such a situation, the price of capital would be relatively higher in comparison to that of labor. भाई बहुत important Leontief paradox is बहुत important. तो ध्यान से इसको पढ़ करके paper में जाना है. So however, when the demand for factor prevails upon the supply, factor prices so determined would not conform to the supplies of the factors. क्योंकि जब demand अपना आती है अपनी पे तो फिर सप्लाई से उसको फर्क नहीं पड़ता, उसको आपको बताना कहीं से भी लाके देना पड़ता है. सपोज अ कंट्रीज अबंडेंस ऑफ कैपिटल स्केर्सिटी ऑफ लेबर इन फिजिकल टर्म बट देयर इज रिलेटिवली ग्रेटर डिमांड फॉर कैपिटल. इन सच अ सिचुएशन द प्राइस ऑफ कैपिटल वुड बी रिलेटिवली हायर इन कंपैरिजन टू दैट ऑफ लेबर. क्योंकि वहां पे लोग इन्वेस्टमेंट या लोग वहां पे बिजनेस करना ही क्या चाहते हैं, कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी के थ्रू, लेबर के थ्रू करना ही नहीं चाह रहे, राइट. सो आगे में क्या दे रखा है, अंडर दीज सर्कमस्टांसेस contrary to the factor endowments, the country may export labor intensive commodities and import capital intensive commodities. Perhaps it is this which lies behind the empirical findings by Leontief that though America is a capital abundant and labor scarce country, in the structure of its imports capital intensive goods are relatively greater. Whereas in the structure of its export, labor intensive goods are relatively greater. मतलब उसने क्या किया, उसने इस बात को, मतलब उसने इसी चीज को समझाया कि under these contrary to factor endowments, the country may export labor intensive commodities and import capital intensive commodities. तो इसकी चक्कर में हम ये समझ सकते हैं कि क्या हो सकता है कि कुछ इन circumstances जो अभी हमने पढ़े वहां पे ऐसा हो सकता है कि country जो capital abundance country है, ठीक है, वो क्या करे, वो कोशिश ये करे कि भाई क्योंकि हमें सस्ते में मिल सकता है तो हम उसे इंपोर्ट कर ले,
और जबकि हमारे पास एक मतलब क्योंकि लेबर ज्यादा है तो हम लेबर से क्या कर सके, चीजों को एक्सपोर्ट कर सके। तो जैसे लिखा हुआ है कि अमेरिका इज अ कैपिटल अबंडेंट लेबर स्केर्स कंट्री, इन द स्ट्रक्चर ऑफ इट्स इम्पोर्ट्स कैपिटल इंटेंसिव गुड्स आर रिलेटिवली ग्रेटर, वेयर इन द स्ट्रक्चर ऑफ इट्स एक्सपोर्ट्स लेबर इंटेंसिव गुड्स आर रिलेटिवली ग्रेटर। तो ये चीज हमें देखनी है। चलो आगे, अकॉर्डिंग टू लियंटिफ हेक्सर-ओलेन मॉडल इज एसेंशियली स्टैटिक, अप्लाइज टू अ पॉइंट ऑफ टाइम गिवन फैक्टर एंडाउमेंट्स एंड टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन, इट मे सो होल्ड गुड इन द रियल वर्ल्ड सब्जेक्ट टू कॉन्टिन्यूअस चेंजेस। वो कह रहे कि मतलब ठीक है कि अंडर सम सर्कमस्टेंसेस पॉइंट ऑफ टाइम पे तो ठीक है, बट जरूरी नहीं है कि हमेशा ये ट्रू है। फॉर अ मॉडल टू बिकम अ थ्योरी अ नंबर ऑफ एम्पिरिकल टेस्ट आर रन टू इट। कह रहे कि एक मॉडल को थ्योरी बनाने के लिए बहुत सारे टेस्ट आपको करने पड़ते हैं, तो वो उसके बारे में दिया हुआ है। टू मेजर एनालाइज इट लियंटिफ डेवलप्ड अ टेक्निक टूल कॉल्ड द इनपुट आउटपुट टेबल। ही यूटिलाइज द इनपुट आउटपुट टेबल ऑफ द यूएस इकोनॉमी टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ लेबर एंड कैपिटल इन अ रिप्रेजेंटेटिव बंडल ऑफ $1 million वर्थ ऑफ यूएस एक्सपोर्ट्स एंड इम्पोर्ट सब्सटीट्यूट फॉर ईच फॉर द ईयर 1947। दिस टेबल डिपिक्ट्स, जरा टेबल देख लेते हैं, टेबल इन्होंने बनाया नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ एक बार जरा। ठीक है, तो आगे इट शुड बी नोटेड हियर दैट लेवेंटिव एस्टिमेटेड कैपिटल लेबर फॉर यूएस इंपोर्ट सब्सटीट्यूट्स रेदर देन इंपोर्ट्स। इंपोर्ट सब्सटीट्यूट्स आर द गुड्स सच एज ऑटोमोबाइल्स दैट आर प्रोड्यूस्ड इन द यूएस होम कंट्री बट आर आल्सो इंपोर्टेड फ्रॉम अब्रॉड बिकॉज इनकम्प्लीट स्पेशलाइजेशन इन प्रोडक्शन, राइट। इट वॉज टेकन इन टू अकाउंट बिकॉज द फॉरन प्रोडक्शन डेटा ऑन यूएस इंपोर्ट्स वर नॉट अवेलेबल। However, an explanation of it was provided by Leontief himself. It stated that even though US import substitutes would be more capital intensive rather than the actual imports, capital was relatively cheaper in the US than abroad. So, there should be still less capital incentive intensive than US exports if the Hexer-Olin model holds. So, this is the theory or this is the hypothesis, आप कह सकते हो, जो develop की गई। अब कुछ और बातें हैं जो क्रिटिसिज्म के तौर पे आ रही है। हाउएवर लियोंटिफ डिड नॉट रिफ्यूट द हेक्सर-ओलेन मॉडल, इंस्टेड ही रीजंड आउट दैट इट इज एन ऑप्टिकल इल्यूजन सिंस यूएस लेबर वाज 3 times एज प्रोडक्टिव एज फॉरेन लेबर इन 1947। हाई लेबर प्रोडक्टिविटी मेड द यूएस अ लेबर अबंडेंट कंट्री, मतलब लेबर कम थी लेकिन बहुत प्रोडक्टिव थी, इस वजह से वो लेबर अबंडेंट कंट्री बन गया। As a result, US was essentially a labor-intensive nation as compared to availability of capital. Capital था, but labor इतनी ज़्यादा productive थी कि capital के बाद भी वो labor-intensive country बन गया. Therefore, it was appropriate that the US exported labor-intensive goods. तो इसे उसके लिए अच्छा था, ठीक है? And import को substitute कर दिया. This explanation was not acceptable, and Leontief himself withdrew it. The reason was that with white that एक मिनट. The reason being, US labor was more productive than foreign labor through the assumption of being 3 times more productive was arbitrary, and so was the US capital. Thus, both US labor and US capital should be multiplied by the same multiple, leaving the relative abundance of capital is in US unaffected. वो कह रहे कि दोनों को same factor से multiply करना था, तब जाके पता चलता कि US का capital मतलब US के अंदर abundance थी या फिर हमारे पास नहीं थी, right students? चलो आगे आगे हमारे पास दे रखा है international product life cycle, ठीक है? तो इंटरनेशनल प्रोडक्ट लाइफ साइकिल क्या है, और इसके बाद हमें एक टॉपिक और पढ़ना है, नेशनल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज थ्योरी, ठीक है? और हमारे पास एक टॉपिक और है, न्यू ट्रेड थ्योरी। तो ये जो दो दो थ्योरीज है और ये वाला पर्टिकुलर जो टॉपिक है, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। तब तक के लिए स्टूडेंट्स कीप दैट टिल हियर, अच्छे से आया जो होप आपने पूरी थ्योरी को अच्छे से समझा होगा, अच्छे से पढ़ा होगा, इसे ढंग से रिवाइज करके रखें। मैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में मिलूंगा। बाय स्टूडेंट्स, टेक केयर।